मॅच मैदानामध्ये देखील गरजेचं असतं, परंतु सोन काय करता आलं नाहीये किरण कुंभार याला, आणि मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल देखील घडवून आणला आहे. किरणच्या जागेवर सूर्या याला देखील उभं करण्यात आलं, परंतु हेमंत नक्कीच दिवाळी संघाच्या पावडींमध्ये टाळ्यांचा गडगडाट देखील होतोय. षटकराच्या सहाय्याने स्वतःचं वैयक्तिक खातं देखील खोलतोय हेमंत, आणि मोठ्या धावसंख्येची उभारणी डोंगर रचावा लागेल इथून, कारण तितकाच मातब्बर संघ देखील असेल शिरवणे 30+ अ या संघ, आणि त्या संघासमोर धावसंख्येचा टार्गेट उभा करण्यासाठी सज्ज असलेला हा आयोजक दिवाळी 30+ संघ. आणि पहिला चेंडू झेल उडाला होता, परंतु झेल जमिनीला बांध झाला, त्यानंतर मात्र स्ट्राईक एंडला आला हेमंत, आणि हेमंतने भीक हिट करून षटकाराच्या सहाय्याने स्वतःचा वैयक्तिक खातं उघडलं आणि संघाला मिळवून ठेवलं 0 गडीबाद 7 या आकड्यावर. या इनिंगचा पहिला षटकार ठोकण्याचा मान मात्र मिळतो तो हेमंत याला. तो पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा मनीष पाटील शिरवणे 30+ त्याच दिशेने, आणि त्याच दिशेने चेंडू जातोय वन डाऊन सी मा एशा पार. षटकाराच्या नंतर आलेला हा खणखणीत चौकार. धावसंख्या धावफळकावर पोहोचवली जाते 11-0 गडीबाद 11. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. पहिला चेंडू बिगिट करण्याचा प्रयत्न आनंदाचा फसला होता, परंतु क्षेत्ररक्षकाने गफलत केली, त्याचा मोबदला इथून मात्र दिवाळी संघाला मिळाला. तदनंतर आला हेमंत षटकारानंतर चौकार, आता तिसरा चेंडू फेस करेल हेमंत आपल्या स्वतःसाठी, आणि चौथा चेंडू होता या षटकातील, परंतु चौथा चेंडू निर्धाव फेकला जातोय. गोलंदाज मनीष पाटीलच्या माध्यमातून शिरवणे संघासाठी एक सलामीचा गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे. मॅच बॉल आलेला आहे, अंपायर मॅच बॉल आलेला आहे ते घ्यायचं आहे. 11 धावा धावफलकावर 2 चेंडू जाण्याचे शिल्लक. पीवनचे पहिले षटक हाताळतो गोलंदाज मनीष, थोडासा मागला ठरतो चौकार षटकार हेमंतच्या बॅटमधून देखील पाहायला मिळाला. 5वा चेंडू आपल्या षटकातील, फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, पुन्हा एकदा झेलची संधी, पुन्हा एकदा चुका होतात आणि चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. पंचांच्या माध्यमातून आगळी वेगळी शैली पाहायला मिळते. नवी मुंबईचं भगवं वादळ हरिजी भोईर साहेब हे देखील पंचांच्या भूमिकेत पाहायला मिळतात. धावसंख्या 15, इथून चुका मात्र किरण कुंभाराच्या माध्यमातून दुसरी चूक क्रमांक 2 होताना दिसते. या चुका मात्र चेसिंग ज्यावेळी आपण धावांचा पाठलाग करत असू त्यावेळी मात्र मनात शंका प्रश्न पाडण्याचं काम या चुका करून देतात. धावचीची संधी देखील होती, परंतु सेफपणे आनंद मात्र पोहोचला जातो. एका षटकाचा खेळ तुम संपुष्टात येतोय, आणि जवळजवळ विचार केला तर 15 धावसंख्या 2 चौकार आणि एक षटकार, वैयक्तिक 5 चेंडूंचा खेल करत 14 ही धावसंख्या मात्र असेल ती हेमंत याची, आणि 1 या धावसंख्येचा वैयक्तिक खेळी करतो तो आनंद. 1-14 19-15 धावा. गोलंदाज नवी मुंबईचे लेजंड क्रिकेटर तानाजी भोईर काका यांचे सुपुत्र विशाल भोईर हे मात्र गोलंदाजीसाठी देखील सज्ज असेल. षटक क्रमांक 2 P2 चे षटक हाताळण्यासाठी पहिल्या षटकामध्ये थोडा महागडा ठरला मनीष, 15 धावा खर्च केला. पाहू विशाल कोणत्या पद्धतीची गोलंदाजी करते. पहिला चेंडू प्रहार केला जातोय आनंद,
आनंदाच्या बॅटमधून आलेला हा चौकार, चौकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या उंच भरारी घेत असताना जाऊन पोचली जाते ती शून्य गडी बाद 19. दुसरा चेंडू इथून मात्र बीट केला जातोय पंचांच्या भूमिकेत विजेंद्र पाटील आणि हरीश भोईर यांना देखील आपण पाहत आहात. तर षटकार खाल्ल्यानंतर कमबॅक करून देतो तो विशाल आपल्या संघासाठी. एक मोलाची कामगिरी करणं देखील विशालसाठी गरजेचं असेल. षटक क्रमांक 2 हाताळत असताना 2 चेंडू फेकले गेले. पहिला चेंडू चौकार, तदनंतर मात्र निर्धाव. तिसरा चेंडू ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू खोदून काढला जातो आनंदाच्या बांधवातून. एक धाव कंप्लीट केली जाते एका धाव संख्येने. धाव संख्येचा विचार केला तर 20 रन्स लॉस ऑफ 0 विकेट इन स्कोर कार्ड. षटक क्रमांक 3 हाताळत असताना 3 चेंडू मध्ये 5 धावा देखील खर्च केल्या जातात विशालच्या माध्यमातून. आता मात्र कार्पेटचा आधार घेऊन खेलून काढलेला चेंडू मात्र 30 सर्कल मध्ये अडवला जातो आणि निर्धाव चेंडूची सांगता. षटक क्रमांक दुसऱ्यातला हा चौथा चेंडू मात्र निर्धाव होता. अजून 2 चेंडू देखील जाण्याचे शिल्लक असतील. पुन्हा एकदा पंचांच्या डाव्या हाताकडून गोलंदाज विशाल भोईर. तर स्ट्राईक एंडला 2 चौकार 1 षटकार आणि हा निघालेला परंतु दुर्दैव म्हणावं लागेल या फलंदाजाचं. चेंडू मात्र भिरकावला होता परंतु मैदानाच्या मध्ये वृक्ष असल्या कारणाने इथे मात्र चेंडू आडला जातोय. परंतु 2 धावा देखील दाफलकर ऍड केल्या जातात. 2 धावाने दावफलक हलत असताना 22 शेवटचा 1 चेंडू जाण्याचा शिल्लक. षटक क्रमांक 2 हाताळत असताना विशाल याचा आता मात्र विकेट केला जातोय. लॉन्ग ऑनच्या दिशेने आलेला हा खणखणीत वन बाउन्स चौकार. धाव संख्या दाफलकर 2 षटकाच्या अखेरीस 26. पहिल्या षटकामध्ये विचार केला तर तब्बल 15 धावा आल्या होत्या आणि या षटकामध्ये 11. दोन्ही फलंदाज थोडेसे महागडे ठरताना देखील दिसत आहेत. तर वैयक्तिक 20 धावांचं योगदान ऑरेंज कॅपचा मानकर एकदा जोरदार टाला झाला पाहिजे. 20 धावा वैयक्तिकरित्या केलून करतोय हेमंत. 8 चेंडूंचा प्रयास करत 20 धावा आणि आपल्या संघाला घरच्या मैदानाचा आहेर देताना हेमंत देखील पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक तिसरे षटक हाताळण्यासाठी सूर्या नक्कीच वरचा सूर्या जलात आहे. ये जलता नहीं जलात आहे गोलंदाजी मात्र अंड्रमचा गोलंदाजांचा बादशाह. अनेक मैदान गाजवली अनेक फलंदाजांना पायात बेड्या घातल्या नंगडा केला तो गोलंदाज सूर्या. आणि आता मात्र सूर्यावर प्रहार केला जातोय तापलेला आनंद. पहिल्या माल्यावर चेंडू भिरकावून देतोय 32 धावा धावफलकावर. एक मोठी धावसंख्या देखील उभारण्यासाठी सज्ज असलेला आदिवाले संघ. पहिल्या 8 चेंडूवरून षटकार टोकलाय. धावसंख्या नेऊन ठेवली 32 या आकड्यावर. पुढचा चेंडू सूर्या 2 आनंद. आता मात्र खूपच ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू एक आगळी वेगळी शैली खतरनाक अंपायरिंग.
असतील, नवी मुंबईचे बगले वादळ, वॉटर किंग, ज्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक श्रृंखलेसाठी ऑरेंज कॅप आणि पाण्याची पुरवठा केला जातो ते हरिजी गैर साहेब, तसेच नवी मुंबईचे गोल्डन मॅन निलेश दादा चंद्रकांत पाटील यांचं देखील आगमन होते. त्यांचं देखील 30+ क्रिकेट संघ दिवाळी यांच्या माध्यमातून सहर्षाचं स्वागत असेल. निलेश चंदी पाटील मॅन फ्रॉम दिवा. तर जेवणाचा आस्वाद घेण्यासाठी ते देखील जात आहेत. षटक क्रमांक तिसरा हाताळत असताना पहिला चेंडू षटकार, तदनंतर वाईड आणि त्यानंतर आलेला निर्धाव चेंडू कमबॅक करून देते गोलंदाज सूर्या आपल्या संघासाठी. गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न, सफल ठरतोय चेंडू, आडवला जातो मनीषाच्या हातामध्ये, विसावल्यानंतर मात्र फेकण्यापूर्वी मात्र एक धाव सहजरित्या कम्प्लीट केली जाते आणि एका धावाने धावसंख्या 34, लॉस ऑफ 0 विकेट्स, 1 जमेची बाजू म्हणावी लागेल दिवाले संघासाठी. अजूनही कोणताही फलंदाज मात्र तंबूच्या आश्रयाला परतला नाही आहे दिवाले संघाचा, त्याच कारणाने मात्र हल्ले केले जातात आणि हा हल्ला करण्यासाठी परंतु प्रयत्न अपूर्ण पडतात हेमंत याचे, कारण स्लोअर पद्धतीची चेंडू फेकी केली जाते. गोलंदाज सूर्या याच्या माध्यमातून पहिल्या चेंडूवर षटकार, आल्यानंतर अव्हांतर, तदनंतर निर्धाव, सिंगल आणि निर्धाव, अजून दोन चेंडूंचा अखेर शिल्लक. पुन्हा एकदा विकेट करण्याचा प्रयत्न, त्याच दिशेने गोलंदाजी केली जाते, जखडून ठेवलं जाते फलंदाज ज्याच्या बॅट मधून आलेल्या 20 धावा आपण देखील पाहिल्या, इथून जखडून ठेवलं जाते हेमंतला बॅक टू बॅक दोन निर्धाव चेंडू फेकून गोलंदाज सूर्याच्या माध्यमातून. पहिल्या दोन षटकामध्ये आक्रमकता पाहिली होती हेमंताची, परंतु आता त्या आक्रमकतेपासून रोखलं जातंय आणि ही आक्रमकता पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक तिसरा निर्धाव. काय गोलंदाजी केली, फक्त 8 धावा, पहिल्या चेंडूवर षटकार खाल्ल्यानंतर देखील 8 धावा खर्च केल्या जातात गोलंदाज सूर्याच्या माध्यमातून. धावसंख्या 3 षटकाच्या अखेरीस 34, 34 धावा आनंद 13, हेमंत 20 आणि सूर्याची 1 अवांतर. नवी मुंबईचे गोल्डन मॅन निलेशजी चंदू पाटील साहेब यांचं देखील आगमन होते, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत असेल. विनंती असेल जगन्नाथ कोळी साहेबांना किंवा आपल्या शुभ हस्ते इथे सन्मान करायचा आहे. जगन्नाथ कोळी साहेबांना विनंती असेल निलेशजी चंदू पाटील साहेबांचा शुभ सन्मान आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे. तर गोलंदाज अतिश चौथ्या षटकासाठी इथं पाचारण केलं जाते शिरवणे 30+ अ या संघाकडून. तर शुभ सन्मान इथे केला जाईल नवी मुंबईचे गोल्डन मॅन निलेशजी चंदू पाटील साहेबांचं आणि इथे मात्र त्यांचं स्वागत केलं जातंय फलंदाज आनंदाच्या बॅटमधून षटकाराच्या साह्याने. ज्या पद्धतीने मागच्या षटकामध्ये सूर्या याचं स्वागत केलं होतं त्याच पद्धतीने इथं अतिशयचं स्वागत देखील षटकाराच्या साह्याने केलं जाते आणि धावसंख्या नेऊन ठेवली जाते 0 गडीबाद 40 या आकड्यावर. आनंद वैयक्तिक 19 आणि हेमंत वैयक्तिक 20 आणि सूर्या याने फेकलेले एक अव्हांतर 19-40 धावा. तर पाहूया चौथे षटक, अजून 5 षटकांचा सामना आहे, थोडस स्पीडअप करायचं आहे. विनंती असेल शिरवणे संघाला. तर अतिश पंचांच्या उजव्या हाताकडून सुरेख पद्धतीचा चेंडू होता, परंतु लेग स्टंप सोडून जाणारा पंच विजेंद्र पाटील मॅन फ्रॉम वाशी यांचा मात्र इशारा येते अव्हांतरचा. अव्हांतर धावसंख्येत 1 भरणा होत असताना धावसंख्या 41, लॉस ऑफ 0 विकेट्स, इन स्कोर कार्ड देखील पाहायला मिळते.
पुन्हा एकदा त्याच दिशेने चेंडू फेकला होता. कुठेतरी यष्ट्यांच्या वरून गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. बॅक टू बॅक दुसरा अभ्यंतर चेंडू फेकला जातोय. आधीच धावसंख्या मात्र डोंगळ एवढी मोठी होत असताना इथे मात्र अभ्यंतर धावसंख्येने अजून भरणा होतोय. म्हणजेच कुठेतरी या अभ्यंतर धावसंख्या ज्या वेळेला आपण धावसंख्या चेसिंग करत असू त्यावेळेला मात्र दुसऱ्या सत्रामध्ये महागड्या ना ठरत हीच अपेक्षा असते प्रत्येक संघाची. परंतु डावचितची संधी डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता परंतु प्रयत्न ठरतो असफल. आणि आनंद देखील आपल्या क्रीज मध्ये सहजरित्या पोहोचला जाताना धावसंख्या एकने पुढे होत असताना 43 धावा दोन्ही फलंदाजांच्या 20-20 धावा देखील पाहायला मिळतात. परंतु चेंडूंचा विचार केला तर हेमंत चेंडू खेळून काढतो. लॉमनच्या डोक्यावरून आलेला हा क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू जातो सी मा रेषा पार षटकार. आणि हिंदीचे समालोचक पाटकजी यांचं देखील स्वागत केलं जाईल. त्यांचं देखील विनंती असेल व्यासपीठावर आपण देखील यायचं माझे साथीदार पाटकजी साहेब. हॅलो पूर्ण कमी थांबा इनिंग करते थोडा आवाज वाढवून एकदम कमी झालाय. हॅलो हॅलो एक इनिंग होते एक ओवर बाकी आहे. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा आतिश हा देखील विकेट केला जातोय. लोअर फिल्टर्स पद्धतीचा चेंडू आणि चेंडू भिरकावून दिला जातोय सी मारेशा पार. हेमंतच्या बॅटमधून आलेला या षटकातला दुसरा षटकार 55 धावा मोठी धावसंख्या. धावसंख्येचा डोंगर आयोजक संघ नक्की मात करण्यासाठी सज्ज असेल. शिरवणे संघाला देखील या पद्धतीची फलंदाजी करणं देखील तितकंच गरजेचं असेल. पण या षटकातील विचार केला तर दोन चेंडू जाण्याची शिल्लक असेल. तब्बल 3 षटकार 2 एक्स्ट्रा आणि 1 सिंगल अशा एकूणरित्या 21 धावा खर्च केल्या जातात. अतिशय महागडी गोलंदाजी पाहायला मिळते अतिशयची. वैयक्तिक 32 या धावसंख्येवर खेळतो तो हेमंत. नक्कीच आनंद आणि हेमंत सुरुवातीलाच मी उल्लेख केलं मन भरून खेळण्यासाठी सज्ज आहेत दोन्ही. आणि हा चेंडू जाते सीमारेषा पार वन बाउन्स चौकार 32 आणि 4 36. तर पहिली हाफ सेंचुरी पाहायला मिळेल का हा प्रश्न मात्र आमचे गुणलेखक रुपेश दादा यांच्या मनामध्ये भासलेलं आहे. आणि ते बोलतात जर पहिली हाफ सेंचुरी टोकली तर माझ्या खुशीने मी काहीतरी हेमंतला देईन. तर नक्कीच गुपित पारितोषिक लागलेला हेमंतसाठी आणि तो प्रयत्न इथून करावा लागेल. सुरक्षित रक्षण होते 30 यार्ड सर्कल मध्ये. एक धाव कम्प्लीट केली जाते. शेवटच्या चेंडून स्ट्राईक मात्र आपल्या जवळ हेमंत ठेवून देईल. आणि 4 षटकांच्या अखेरीस 15 सरासरी गाठत असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचली जाते 60 या आकड्यावर. गाडी बाहेर काढायची मैदानातून दादा तर अतिशय महागडा ठरतो गोलंदाज अतिश 26 धावा एका षटकामध्ये खर्च केल्यात अतिशाने. पहिल्या षटकामध्ये मनीषाच्या 15 तदनंतर विशाल 11 सूर्या 8 आणि अतिशाच्या 26 19 60 गोलंदाज राकेश पाटील पहिलाच अवांतर चेंडू एक आगळी वेगळी शैली पंचांची डान्स पाहायला मिळते. डीजे नाहीये परंतु आनंद मात्र लुटता येतो. हरीश भोईर 61 धावा. आणि इथून मात्र कार्पेटच्या साह्याने चेंडू सुरक्षित रक्षण अतिशयाचं पायाने. क्रिकेटचा सामना चालू आहे का फुटबॉलचा ते समजत नाहीये पण सुरक्षित रक्षण.
दोन धाव आपल्या संघासाठी बचावलाय त्या अतिशयाने. गोलंदाजीसाठी खर्च जास्त केला पण क्षेत्ररक्षण करताना कंजूसपणा दाखवला. तर धावसंख्या धावफलकावर 63 आणि आता मात्र रुपेश दादाचं पारितोषिक बचावलेलं आहे पण संध्याकाळची सोय होईल याची देखील नोंद घ्यायची उमंत आहे. उद्या सकाळी बेलापूरला दत्ताच्या कॅन्टीनवर हेमंत दादासाठी नाश्त्याची सोय केलेली आहे रुपेश कोली यांनी. वैयक्तिक विचार केला तर 39 जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. सलामी फलंदाज ऑरेंज कॅपचा मानकरी देखील असेल. गोलंदाजी पाहायला मिळते. आतापर्यंत पहिला अवांतर तदनंतर दोन धावा आणि दुसऱ्या चेंडूर म्हणजे तिसरा चेंडू पहिला अवांतर त्यानंतर दुसरा चेंडू दोन धावा त्यानंतर तिसरा चेंडू विकेट आणि आता मात्र कर्णधार रवींद्र कोळी. तर रुपेश कोळी आमचे गुणलेखक यांच्या माध्यमातून सांगण्यात येते की जे फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावर आता खेळपट्टीवर तैनात झाले त्याची हाईटचा मेजरमेंट रुपेश दादाने घेतले 6.5 आणि पर्यंत निराश मानेने परतावं लागतंय. उंच असा रवींद्र कोळी कर्णधार 6.5 उंचीचा रवींद्र मात्र शून्यावर परततोय तंबूच्या आश्रयाला. पण या षटकातील 3 चेंडू अजूनही शिल्लक असेल एक कंजूसपणाची गोलंदाजी राकेशच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळते. गोलंदाज विघ्नेश आमचे गुणलेखक रुपेश यांचे छोटे बंधू यांच्यासाठी काही पारितोषिक असेल. फुल टॉस आणि इथं मात्र आनंदाला देखील पसरवण्याचा प्रयत्न परंतु नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू विसवला जातोय. तत्पूर्वी मात्र दोन धावा कंप्लीट देखील केल्या जातात. कुठेतरी धावसंख्या फलंदाज बाद होण्याची आवश्यकता इथे होती आणि धावसंख्या 65 लॉस ऑफ 1 विकेट दोन चेंडूंचा खेळ शिल्लक. आतापर्यंत खर्च केलेल्या धावसंख्या 5 बिग हिट. जर तो ट्वेल टिपला असता तर हा षटकार लागला नसता कारण त्याच्या जागेवर उभा असता नौका फलंदाज. परंतु चुका चुकीला इथे माफी नाहीये आणि चुकीचा भोगवटा इथून मात्र करावा लागेल शिरवणे संघाला. षटकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या 71 मला वाटतं या श्रृंखलेचा हायेस्ट स्कोर असेल हा 71. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे दिवाने संघासाठी आणि त्यामध्ये मोलाचा वाटा आनंद आणि हेमंत हा देखील बिगिट करण्याचा प्रयत्न. परंतु क्षेत्ररक्षक आतिश चुका दोन धावा वाचवल्या इथे 4 धावा गमावल्या. एका झेल सोडल्या कारणाने इथे 10 धावा मोजावे लागतात शिरवणे संघाला. 75 धावा धावफलकावर आणि षटक इथे संपुष्टात येते. 76 धावांचं आव्हान देखील असेल आणि यापुढचं धावतं समालोचन करण्यासाठी आमचे साथीदार हिंदीचे समालोचक पाठक सर आइए सर.
दोस्तों स्वागत है आपका इस फटाफट क्रिकेट में। सिरोने और दिवाले टीमों के बीच ये मुकाबला चल रहा है इस समय। पहले दिवाले ने बैटिंग की है और 76 रन का लक्ष्य दिया है सिरोने गांव को। मैं अनुरोध करूंगा दोनों एम्पायर आदरणीय हरीश जी से और उनका साथ दे रहे हैं विजय साहब, मैच को जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं। बहुत ही बढ़िया गणवेश में दिखाई देती हुई दोनों टीम। पहले विकेट की पार्टनरशिप करी थी 50 रनों की, 76। तो दोस्तों 30 बॉलें और 30 बॉलों पर 76 रन बनाने पड़ेंगे सिरोने गांव को। दोनों ओपनर बल्लेबाज इस समय आ चुके हैं। इनका नाम है इस्माइल और सूर्या। आज सूर्या क्या करते हैं, रविवार है, सूर्य भगवान का आज दिन है। जय कुष्मा शंकाशम कश्यपम महाद्योतम तमोरिम सर्वा पापाधनम प्राणोत्मयी दिवाकरम। और जगन्नाथ जी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हुए सामने, उनकी बेहतरीन तस्वीर लगी हुई है। कभी हम तस्वीर को देखते हैं, कभी खुद जगन्नाथ साहब को देखते हैं। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व इनका। और गेंदबाज हैं आदरणीय श्री प्रसाद। भारतीय टीम में पहले एक वेंकटेश प्रसाद हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हुआ करते थे वो। देखते हैं प्रसाद क्या करते हैं, उनका सामना करेंगे सूर्या। और बहुत ही अच्छा निकाला, तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये किया कर बैठे अपनी ही फील्ड प्लेसमेंट में मिस फील्ड और 2 रन का इजाफा। पहली बॉल पर 2 रन ले लिए हैं सूर्या। लगता है आज पूरे जोश में हैं, उत्साह में हैं, उमंग में हैं, शक्ति है आज इनके पास। आज एक ऐसी पारी खेलनी पड़ेगी इनको, जबरदस्त विस्फोटक पारी आज जरूरत है आपकी टीम को। ओहो वेरी गुड बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल प्रसाद की। 2 बॉल 2 रन। और इस बार बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेल दिया है दोस्तों 6 रनों के लिए। 3 बॉल हुई है और 8 रन बना लिए हैं। लगभग 15 रन प्रति ओवर की रफ्तार चाहिए। क्या ये रफ्तार बरकरार रखेंगे हमारे दोनों बल्लेबाज, देखना पड़ेगा। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता हुआ इस समय। बहुत ही सुंदर 6 रन। जगन्नाथ जी कुछ टिप्स देते हुए, कुछ सलाह देते हुए, कुछ मंत्रणा करते हुए गेंदबाज से। और बहुत ही सुंदर शॉट, एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए खेल दिया है। 2 बॉल पर 10 रन बटोर लिए हैं। मानो सुनामी आ गई है, तूफान आ गया है, बवंडर आ गया है मैदान पर। बहुत ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सूर्या। स्कोर बढ़कर के हो गया दोस्तों, पहला ओवर चल रहा है, मात्र 4 बॉल हुई है और स्कोर पहुंचा दिया है 12 रनों पर। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, अब लॉन्ग ऑन को ले लिया है, डिप मिड विकेट कर दिया है, बाकी क्लोजिंग फील्डर है। देखते हैं अगली बॉल पर सूर्या क्या करते हैं। ओह व्हाट अ शॉट दिस टाइम बाय सूर्या, ऑफ स्टंप के ऊपर से 4 रनों के लिए खेल दिया है, 16 रन पर पहुंचा दिया है। बहुत ही करारा जवाब दिया है, बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है सूर्या ने। उनको बता दिया है
कि हमारे अंदर भी उत्साह कम नहीं है, बहुत ही अलग अंदाज में बैठ बैठ करके मार रहे हैं। पिछले 3 बॉल पर 2 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं इस समय। अभी भी प्रसाद की आखिरी बॉल बाकी है। जगन्नाथ के चेहरे पर चिंता की लकीरें आती हुई, थोड़ी थोड़ी सी चिंता होती हुई इनको। 16 रन, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। एक बार फिर से फील्ड को मिड विकेट लॉन्ग ऑन। ओहो बड़े शॉट दिशा, बहुत ब्यूटीफुल शॉट। 20 रन बटोर लिए हैं दोस्तों। पहला ओवर 20 रन, लाजवाब बल्लेबाजी सूर्या की। और निश्चित रूप से सलाह मशविरा करना पड़ेगा, सम डिस्कशन इज गोइंग इन दिलवाले टीम। कौन से गेंदबाज को, कौन से मुथैया मुरलीधरन को, कौन से सैनवान को गेंदबाजी दी जाए, जो ये सूर्या का जो बवंडर आया हुआ है, तूफान आया हुआ है मैदान पर, इसको रोका जा सके। और निश्चय किया है, गेंदबाजी की कमान दी है आदरणीय श्री नरेश को। नरों में जो ईश्वर होता है नरेश, अब आपके सामने गेंदबाजी करेंगे। और बड़े ही खूबसूरत अंदाज जिनका है एम्पायरिंग करने का, आदरणीय हरीश साहब अब एम्पायरिंग करेंगे आपके सामने। बड़ा एक अलग ही अंदाज होता है इनका, चौके छक्के देने का, बाउंड्री देने का, वाइड बॉल देने का। और अब पहली बार सामना करेंगे इस्माइल। बहुत ही बढ़िया ओवर, पहला ओवर रहा सिरोना के लिए। 20 रन, 20 रन इन फर्स्ट ओवर। और उठा के एक बार फिर से स्माइल ने हंसते हुए, जैसा इनका नाम है स्माइल, मुस्कुराते हुए पहली बॉल पर 6 रन। इसको इतराता हुआ, इठलाता हुआ, मचलता हुआ पहुंच चुका है 26 रनों पर स्माइल। और सूर्या ने गजब की शुरुआत की है। और नरेश देखते हैं, अभी भी 5 बॉलें बची हुई हैं नरेश की इस ओवर में। स्कोर हो गया दोस्तों 26 रन, 26। दोनों बल्लेबाज एक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। मिड विकेट को थोड़ा सा चेंज किया है, लॉन्ग ऑफ। और एक बार फिर से उठा के खेला है, फील्डर मौजूद वहां पर, लेकिन नतीजा एम्पायर का इशारा 6 रनों के लिए। थैंक यू एम्पायर। डिले बाउडन की याद आ जाती है हरीश साहब, जब आपको एम्पायरिंग करते हुए हम देखते हैं। न्यूजीलैंड के एम्पायर हुआ करते थे बिली बाउडन, वो भी आप ही की तरह बहुत ही शानदार एम्पायरिंग और मनोरंजक एम्पायरिंग करते थे। तो दोस्तों लगातार 2 बॉल 2 छह, स्कोर बढ़कर के 32 रन, 32 करारा जवाब। जिए तो जिए, कैसे करें तो करें क्या, यहां पर बड़ा चिंता का विषय। यहां पर दिवाले गांव के कैप्टन साहब भूषण पाटिल साहब के सामने एक समय वास्तव में बहुत ही चिंता का विषय है। इस बाढ़ को, ये जो फ्लड आ गई है चौके छक्कों की, इसको कैसे रोका जाए, ऐसा कौन सा बांध है हमारी टीम में जो बनाया जाए और इस बाढ़ को रोका जाए। लगातार 2 बॉल पर 2 छह लगा दिए हैं। तो बहरहाल जिस टीम के सारथी इस्माइल और सूर्या हैं, उस टीम को चिंता तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है दोस्तों। कभी बॉल जीत जाती है, कभी बैट जीत जाता है, यही इस क्रिकेट की विशेषता है।
टॉस बॉल बहुत ही सुंदर शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, चार रन। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्कोर पहुंचा दिया है 36 रन पर, लगभग आधा रास्ता तय कर लिया है। और सूर्या साहब, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आपको ऑरेंज कैप से नवाजा जाएगा। आपने 20 रन का स्कोर कर लिया है, यू आर एंटाइटल फॉर ऑरेंज कैप एंड स्माइल इज स्टिल बैटिंग ऑन 16 रन्स। ही इज ऑल्सो इन रेस ऑफ ऑरेंज कैप। करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जगन्नाथ साहब काफी समझा चुके हैं अपने खिलाड़ियों को, अब थोड़ा सा फील्ड में चेंज। लॉन्ग ऑन आ गए हैं आनंद। फुल टॉस, ये फुल टॉस आज बड़ी सौतन बन गई है, ये सौतन से बचना पड़ेगा। दूसरी वीरी बन गई है आज, ये फुल टॉस बड़ी भारी पड़ रही है दिवाले गांव के ऊपर। और इस्माइल साहब, आप भी ऑरेंज कैप के हकदार हो गए। स्कोर हो गया दोस्तों, स्कोर 40 रन, 40। टू बॉल्स आर रिमेनिंग इन दिस ओवर एंड आवर स्कोरर टोल्ड मी हाउ मेनी बॉल्स, 20 बॉल्स, 36 रन रिक्वायर्ड। फुल टॉस से आज बचना होगा, ये फुल टॉस बड़ी बैरन बन गई है, सौतन बन गई है दिवाली गांव के लिए। अच्छा बॉल और जगन्नाथ सर की मिस फील्ड यहां पर, कभी करते नहीं है वैसे मिस फील्ड, आज पता नहीं कैसे हो गया इनसे मिस फील्ड, बहुत कम मिस फील्ड करते हैं। स्कोर बढ़कर के 41 रन, 41। स्माइल, ओहो व्हाट अ बॉल, और एक रन का इशारा। स्कोर हो गया दोस्तों 41। तो स्कोर है दोस्तों 41 रन, 41 रन दो ओवर के बाद। दो ओवर 21 रन, 41। सेवेंटी सिक्स इज द टारगेट, 76 रन विजय लक्ष्य। 18 बॉल बची हैं और 18 बॉल पर दोस्तों 35 रन चाहिए, 35। सूर्या और इस्माइल की जोड़ी आज दोनों को ऑरेंज कैप मिल गई है, बहुत बहुत बधाई आपको कमेंट्री टीम की तरफ से, आयोजकों की तरफ से, प्रायोजकों की तरफ से। बहुत ही शानदार इनामी राशियां हैं दोस्तों। प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपए का है और उसके साथ एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपए नकद और उसके साथ एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। तीसरा पुरस्कार 5,000 रुपए और उसके साथ एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। इसके अलावा बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर और टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। नए बॉलर हैं दोस्तों आनंद। क्या आनंद जगन्नाथ सर को आनंदित कर पाएंगे, ये इस ओवर के बाद पता चलेगा। ओहो यॉर्कर बॉल, यॉर्कर बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाली थी। थोड़े से दिवाली टीम की तरफ से ऐसे ही समझदार भरी बॉलिंग की जरूरत है, बहुत ही समझदारी के साथ बॉलिंग करी आनंद आपने, बहुत अच्छी बॉल। 42। और माफ कीजिएगा, वाइट बॉल का इशारा एम्पायर का।
एक्स्ट्रा रन की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है दोस्तों। एक रन भी आप ये मान लीजिए 6 रन के बराबर है, अगर आपने एक्स्ट्रा रन दे दिया कोई गुंजाइश नहीं इस समय अतिरिक्त रन की। और जगन्नाथ सर ने थोड़ा सा फील्ड को चेंज किया है, खुद अब गली की पोजीशन पर आ गए हैं। और एक बार फिर से वाइट बॉल प्लस 1 रन। तो दूसरे गेंदबाज चौके छक्के में बात कर रहे थे, यहां एक्स्ट्रा की भी अब शुरुआत हो गई है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा और उतार के खेला, इस बार मौका मिल सकता है और फील्डर उसके पीछे, बहुत ही अच्छा कैच, लवली कैच, ब्यूटीफुल कैच, और इसको पकड़ा है इस कैच को गणेश ने, प्रसाद ने। तो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई, आज बहुत देर से आई, देर से आए दुरुस्त आए, आई आपका इंतजार था, बहुत लेट विकेट मिला और आउट हो गए हैं इस्माइल। 21 रन बनाए हैं इस्माइल ने, ऑरेंज कैप के हकदार हैं। और नए बल्लेबाज आ गए हैं राकेश पाटिल, पहली सफलता आनंद ने दिलाई है अपनी टीम को, और जितनी अच्छी बॉल थी उससे अच्छा कैच पकड़ा है यहां पर प्रसाद ने, वेरी ब्यूटीफुल कैच टेकन बाय प्रसाद। 2 बॉल हो गई हैं और होएगा फिर से बहुत अच्छी बॉल, रन आउट की चांस यहां पर, ओ माय गॉड, अगर इसको प्रॉपर कलेक्ट करके फेंक देते तो रन आउट की चांसेस थी यहां पर। 3 बॉल और स्कोर हो गया है दोस्तों 46 रन 46 रन। एक अच्छा ओवर कर रहे हैं अभी तक, तो बस वो शॉटन से दूर रहें, फुल टॉस का यूज ना करें यहां पर। ओहो, एक बार फिर से विकेट की संभावना यहां पर, फील्डर मौजूद, ओहो माय गॉड, हाथों में आ गया था कैच, बहुत अच्छा प्रयास इनका, अच्छे मौके दिलवा रहे हैं आनंद अपनी टीम को, ये दूसरा मौका दिलवाया है इन्होंने अपने इस ओवर में। एक अच्छा प्रयास था, अगर ये कैच पकड़ लेते तो निश्चित रूप में कुछ टर्निंग पॉइंट हो सकता था इस मैच में। स्कोर हो गया दोस्तों 47 रन और बॉल हो गई है 4 बॉल। एक अच्छा ओवर कहा जाएगा पिछले ओवरों के मुकाबले। ओ माय गॉड, इसको रोकना तो मुश्किल है, बहुत ही गगनचुंबी छक्का, 6 रन, 50 रन भी पूरे होते हुए सिरोना टीम के 53, बहुत ही गजब का 6 रन। आखिरी बॉल बची है, लास्ट बॉल इज रिमेनिंग इन दिस ओवर, देखते हैं सूर्या आखिरी बॉल का क्या अंजाम करते हैं। सूर्या खुद 28 रन बना के खेल रहे हैं इस समय, बहुत ही जांबाजी के साथ, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, बहुत ही गजब की बल्लेबाजी सूर्या। ओहो अच्छी बॉल, वाह, दैट्स ऑल, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर हो गया दोस्तों 53 रन 53, 12 बॉलें बची हैं और हमारे 23, 12 बॉल 23 रन और आज ये बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, हमारे कैमरामैन बहुत ही मुस्तैदी के साथ इसका डायरेक्शन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य दिखाते रहते हैं बीच बीच में कैमरामैन आदरणीय श्री अभिजीत, बहुत ही अच्छे गाने भी गाते हैं अभिजीत की तरह भाई, थोड़ा उनका चाय वाय का ध्यान रखिए, पानी वानी का, ऊपर बैठे हुए हैं थोड़ा टाइम पे पानी वानी। तो दोस्तों 12 बॉलें बची हैं और जीतने के लिए चाहिए 23 रन 23 इन 12 बॉल्स और गेंदबाज आ गए हैं दर्शन,
क्या जगन्नाथ सर को जीत का दर्शन करा पाएंगे, ये इस ओवर के बाद पता चलेगा दोस्तों। दर्शन, बहुत उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं हमारे दिवाली के समर्थकों की, प्रशंसकों की। और एम्पायरिंग के ऊपर आ गए हैं बिली बाउडन के हमरूप आदरणीय हरीश जी। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, मिड ऑन, ये फील्ड की जमावट है। क्लोज फील्ड चार ही हैं, बाकी सबको फैला दिया गया है। 12 बॉल 23 रन, और अच्छा शॉट उठा के खेलना चाहते थे यहां पर, लेकिन ये देखिए तीसरा कैच छोड़ दिया है। इस तरह से आप अगर कैच छोड़ेंगे तो मैच को कैसे जीतेंगे दोस्तों। 54, पकड़ो कैच जीतो मैच, लगभग 100 साल से क्रिकेट की कहावत प्रसिद्ध है। और सूर्या एक बार फिर से आ गए हैं कहर बरपाने के लिए। ओ माय गॉड, सूर्या का एक और बहुत ही लंबा 6 रन। आज सूर्या का आतंक जो है वो सर चढ़ करके बोल रहा है, स्कोर बढ़ करके हो गया 60 रन। और ये फुलटॉस ने आज बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ये कम से कम 7वीं 8वीं फुलटॉस होगी ये। सूर्या 34 रन पर खेल रहे हैं, 11 बॉल पर 34 रन बनाए हैं सूर्या ने। क्या गजब की बल्लेबाजी इनकी, हमें तो वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल याद आ जाते हैं जब इतनी तेज बल्लेबाजी करते हैं। और स्कोर हो गया दोस्तों 60 रन, मात्र 16 रन चाहिए 10 बॉलों पर। ओ माय गॉड, ये जगह तो इनकी फेवरेट जगह है, यहां पे एक और 6 रन, 2 बॉल पर 2 6, 9 बॉल बची हैं और मात्र 10 कदम दूर रह गए हैं विजयी द्वार से। और देखिए बड़ी विचित्र संयोग है, टीम को जीतने के लिए भी 10 रन चाहिए और सूर्या को भी अर्धशतक करने के लिए 10 रन चाहिए। बड़ा आज जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहिरा, व्हाट ए ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ बैटिंग शोन बाय सूर्या टुडे इन दिस मैच। अगली बॉल, सूर्या तैयार हैं। ओह माय गॉड, उठा के खेला है, हाथों में दे दिया है इस बार। 40 रन बनाए हैं सूर्या ने, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद अपना विकेट दिया है। एक बहुत ही अच्छा जज करके कैच पकड़ा है आदरणीय श्री गणेश ने। 8 बॉल 10 रन चाहिए दोस्तों, 8 बॉलें बची हैं, 10 रन चाहिए। और बड़ा तालियों के साथ स्वागत होता हुआ सूर्या का, बहुत अच्छी बल्लेबाजी सूर्या आपकी। और नए बल्लेबाज आ गए हैं, किरण आ गए हैं नए बल्लेबाज। आठ बॉल 10 रन, गणेश फैंटास्टिक कैच टेकन बाय यू, वेरी गुड कैच। ओहो व्हाट ए बॉलिंग, व्हाट ए बॉलिंग, लेकिन वेरी गुड, थैंक्स एम्पायर।
सात बॉलें बची हैं और नौ रन चाहिए सात बॉलों पर, और पहली बार बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं सिरोना टीम से, किरण नाम है इनका। एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके गए हैं सूर्या और इस्माइल, फील्ड को थोड़ा सा फैला दिया है, थोड़ी सी नया जोश आ गया है दिवाली गांव के अंदर, टीम के अंदर एक नए उत्साह का संचार हुआ है। क्या ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी पता नहीं है, क्रिकेट है कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसके अंदर कोई भी टीम जीत सकती है कोई भी टीम हार सकती है, लेकिन दोनों आतिशी बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। ओहो वाइट बॉल, वाह क्या अंदाज है आपका, ये देखिए वाइट बॉल बड़ा सिरदर्द बन रही है इस समय। स्कोर हो गया बढ़कर के 68 रन 68 रन। जगन्नाथ सर कुछ एडवाइस करते हुए गेंदबाज को, और एक रन यहां पर आराम से ले लेंगे, दूसरा रन लेना चाहते हैं, यहां पर दौड़ पड़े हैं। ओ माय गॉड ये फील्डर कर कह रहे हैं, इस समय बहुत अच्छा चांस था यहां पर, और दो रन ले लिए, स्कोर बढ़ करके 70 रन 6 बॉल 6 रन 6 बॉल्स रिमेनिंग 6 रन्स रिक्वायर्ड। अब यहां पर बड़ा दिलचस्प होगा देखना किसको गेंदबाजी दी जाती है, बहुत दिलचस्प होगा कि किसको बागडोर दी जाए जो, और खुद जगन्नाथ सर आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए, मजा आ गया। 6 बॉल 6 रन, क्या अपनी टीम को आज विजय दिलवाएंगे जगन्नाथ सर, देखते हैं, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस को उनके आत्मविश्वास को नमन है, बहुत बड़ी बात होती है ऐसे बैटिंग पिच पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेना। 6 बॉल बची हैं और 6 रन चाहिए, क्या जगन्नाथ साहब आज अपनी टीम को विजय दिलवाएंगे इस मैच में। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट पूरे फील्ड को फैला दिया है, बॉल ब्यूटिफुल बॉल, पहली ही बॉल डॉट बॉल निकाल दी है जगन्नाथ साहब ने, गजब की गेंदबाजी। और अगली बॉल फील्डर मौजूद है, सीधा थ्रो फील्डर का कीपर के हाथों में, और ये छोड़ दिया कीपर ने, सरदार भूलेगा नहीं माफ नहीं करेगा इस बात पर, 1 रन अतिरिक्त दे दिया यहां पर, और अब चाहिए दोस्तों 4 बॉल 4 रन। लेकिन कुछ भी कहो जगन्नाथ साहब की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, माई गॉड व्हाट ए बॉलिंग बाई जगन्नाथ जी, अपनी टीम की वापसी करवाते हुए इस मैच में, और पहली बार रन ज्यादा हो गए हैं, बॉल कम रह गई हैं, 3 बॉल 4 रन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैच को एक बार फिर से मोड़ दिया है, एक नया रूप दे दिया है, एक नया नाम दे दिया है इस मैच को जगन्नाथ जी ने, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 3 बॉल 4 रन, बहुत ही जादू भरी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय, एक उत्साह एक उम्मीद की किरण जगा दी है अपनी टीम के लिए।
गजब की जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत होता हुआ इस मैच में जान डाल दी है। दो बॉल पर चार रन चाहिए दोस्तों। बहुत ही गजब की गेंदबाजी, व्हाट ए लवली बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय जगन्नाथ दिस टाइम, वंडरफुल बॉलिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग। दो बॉल चार रन, और उठा के खेला इस बार गैप में खेला भाई शॉट, और चार रनों के लिए खेल दिया दोस्तों। मुकाबला जीत लिया है, हालांकि दिलचस्प भी बना दिया था जगन्नाथ सर ने इस मैच को, और सुरोना टीम ने मुकाबला जीत लिया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन ये चौका गलत चला गया। दिवा टीम और सुरोना टीम के बीच अगला मुकाबला होगा। कैप्टन आ जाए टॉस के लिए, दोनों टीम के कैप्टन